कंगना रनौत ने सोनम कपूर को दिया करारा जवाब। डिवोर्स की अफवाह पर रणवीर सिंह का एपिक रिएक्शन। स्पेन में बाहों में बाहें डाल पकड़े गए अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर, तस्वीरें हुई लीक। डालिए इस हफ्ते की सबसे मसालेदार न्यूज पर एक नजर। रूमर्ड कपल आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे की कुछ तस्वीरों ने आज इंटरनेट पर मचाया तहलका। ये तस्वीरें उनके स्पेन हॉलिडे की है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की तलाक की खबरों पर लगा ब्रेक। रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दीपिका पादुकोण संग तस्वीर शेयर की। रिपोर्टेडली दोनों रणवीर का बर्थडे सेलिब्रेट करने अलीबाग गए थे। रिलीज से पहले ही मुसीबत में फंसी कंगना रनौत की तेजस। दरअसल राजनेता मयंक मधुर ने कंगना के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि वो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। दरअसल राजनेता मयंक मधुर को तेजस में एक भूमिका मिलनी थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म के लिए उनके फीस का भुगतान भी नहीं किया गया है। सेंसर बोर्ड ने नहीं दी अक्षय कुमार स्टारर OMG 2 को हरी झंडी। रिपोर्टेडली सेंसर बोर्ड ने अक्षय की फिल्म OMG 2 को वापस रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया है। कहा जा रहा है कि फिल्म में कुछ सीन्स और डायलॉग्स आपत्तिजनक है। क्या अनुष्का शर्मा ने फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा के ऑफर को किया मना? बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अनुष्का को डेट इश्यूज हो रहे थे। अनुष्का ये फिल्म करने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन उनकी डेट्स क्लैश कर रही थी, इस वजह से उन्हें इसके लिए ना कहना पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म OMG 2 के लिए अपनी फीस में भारी कटौती की है। अक्षय कुमार एक फिल्म का 50 से 100 करोड़ रुपए के बीच चार्ज करते थे। अब लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार ने कथित तौर पर OMG 2 के लिए 35 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। कॉफी विद करण में करण जौहर ने सोनम कपूर के साथ मिलकर कंगना रनौत की अंग्रेजी बोलने का मजाक उड़ाया था। अब इस पुराने वीडियो पर कंगना ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना ने लिखा, फिल्म माफिया के साथ सालों की लड़ाई से मैंने जो कमाया है वो ये है कि किसी भी बिहारी व्यक्ति का इंग्लिश न बोलने के लिए मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, 24 साल की उम्र में खुलेआम धमकाए जाने, अपमानित किए जाने और मजाक उड़ाए जाने के बाद भी मैंने शालीनता दिखाई जो ये आंटियां कभी नहीं दिखा सकती। मानुषी चिल्लर अपनी बॉलीवुड डेब्यू सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने पर किया रिएक्ट। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मानुषी ने बताया, मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए निराशाजनक है। मैंने सीखा कि फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। एक एक्टर के तौर पर आप अपना बेस्ट दे सकते हो और फिर भी रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसा कि ये मेरी पहली फिल्म थी, मुझे थोड़ा लॉस महसूस हुआ। मुझे लगता है कि मुझे जो चाहिए था फिल्म से वो मुझे मिला। करण जौहर ने हाल ही में थ्रेड्स ज्वाइन किया। सामना करना पड़ा एक यूजर के सवाल का। यूजर ने उनसे पूछा कि क्या आप गे हो। करण जौहर ने रिप्लाई में कहा, क्या आप इंटरेस्टेड हो मुझ में, जिसके बाद ट्रोलर खुद ही ट्रोल हो गए। मशहूर रैपर बादशाह ने ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष की असफलता पर चुटकी ली है। बादशाह ने नेशनल टेलीविजन पर फिल्म के बजट का मजाक उड़ाया। इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 शो पर एक कंटेस्टेंट ने अपने डांस से रामायण की एक झलक दिखाई। इसे देखने के बाद बादशाह ने कहा, 600 करोड़ के बिना 600 करोड़ वाली फील दे दी आपने।